उसे हर सुख मिला, सम्मान मिला। धनुर्विद्या का वरदान मिला। अपनों के विरुद्ध जब शस्त्र उठे, कर्तव्य का महाज्ञान मिला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स मोटिवेट की दुनिया में। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा दिव्य पौराणिक महाकाव्य है जिसे जो जितना जानता है उसे उसके बारे में उतना जानने की इच्छा प्रकट होती है। महाभारत महाकाव्य पर दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। यह ग्रंथ अपने आप में ना जाने कितने रहस्य और ज्ञान समेटे हुए है। महाभारत ग्रंथ में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए है जिसके बारे में आज तक सही जानकारी और इसका रहस्य लोगों को समझ में नहीं आया है, या फिर महाभारत के इस रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस ग्रंथ से जुड़े एक ऐसे ही रहस्य के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में उन राजकुमारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बनाए थे अनैतिक संबंध। महाभारत में कई राजकुमारियां ऐसी भी थी जिन्होंने अनैतिक संबंध बनाए थे, या यूं कहे कि उन्हें अनैतिक संबंध बनाना पड़ा था। अनैतिक संबंध से मतलब निकलता है कि पति के रहते हुए रानी और राजकुमारियों को किसी दूसरे पुरुष के साथ संभोग करके बच्चों को जन्म देना पड़ा। आज हम आपको अपने इस वीडियो में महाभारत के कुछ ऐसे ही राजकुमारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अनैतिक संबंध बनाए थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महाभारत की बहुत ही प्रमुख पात्र मस्तगंधा के बारे में, जो आगे चलकर सत्यवती के नाम से जानी गई। सत्यवती बचपन से बहुत खूबसूरत थी, जिस कारण सत्यवती की खूबसूरती पर राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए और सत्यवती से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रागंध। बहुत कम लोग जानते हैं कि सत्यवती के तीसरे पुत्र भी थे। उस तीसरे पुत्र का नाम व्यस्त था। जब सत्यवती का विवाह नहीं हुआ था तब सत्यवती से एक बार महर्षि पराशर मिले और सत्यवती की खूबसूरती पर वो मोहित हो गए। तब सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच संबंध स्थापित हुआ जिससे व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी बचपन में ही जंगल में तपस्या करने चले गए, बाद में वही महर्षि वेदव्यास जी के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रागंध का विवाह अंबालिका अंबिका नाम के दो राजकुमारी से हुआ, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद विचित्रवीर्य और चित्रागंध की युद्ध में मृत्यु हो गई। भीष्म ने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। अंततः उस समय हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती अपने वंश को मिटाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए सत्यवती ने अपने तीसरे पुत्र व्यास को बुलाया और उनसे अंबिका और अंबालिका संतान उत्पन्न करने का आग्रह किया। व्यास जी अपनी माता सत्यवती की आज्ञा मान गई। सत्यवती की आज्ञा को मानते हुए अंबालिका और अंबिका दोनों राजकुमारियों ने महर्षि व्यास से गर्भ धारण किया। इसके उपरांत पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन जब महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी माता सत्यवती को आकर यह बताया कि एक राजकुमारी का पुत्र रोगी और दूसरे राजकुमारी का पुत्र अंधा होगा, तो सत्यवती ने एक बार फिर राजकुमारियों को अपने तीसरे पुत्र व्यास जी के पास भेजने की इच्छा प्रकट की। लेकिन इस बार अंबालिका और अंबिका काफी डर गई थी, इसलिए इस बार उन दोनों ने न जाकर अपनी दासी को व्यास जी के पास भेजा और उनकी दासी ने व्यास जी से गर्भ धारण किया, जिससे स्वस्थ और ज्ञानी पुत्र विदुर का जन्म हुआ। अब बात करते हैं कुंती के। दोस्तों, कुंती के बारे में हर कोई जानता है कि राजकुमारी कुंती का विवाह महाराज पांडु के साथ हुआ। लेकिन जब कुंती कुंवारी थी तब उनके यहाँ एक दुर्वासा ऋषि आए थे। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की। तब कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक गुप्त मंत्र बताया। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को मंत्र का ज्ञान देकर कहा, तुम इस मंत्र की सहायता से जब चाहो तब किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती हो। दुर्वासा ऋषि के चले जाने के बाद एक दिन राजकुमारी कुंती ने उस मंत्र की ताकत परखने के लिए सूर्यदेव का स्मरण किया, तब महारथी कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन उस समय कुंती कुमारी थी, इसलिए लोक लज्जा के डर से कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया। और जब आगे चलकर कुंती की शादी महाराज पांडु से हुई तब कुंती को पता चला कि एक ऋषि के शाप के कारण अपने पति महाराज पांडु को कोई संतान नहीं हो सकती। लेकिन जब राजा पांडु को दुर्वासा ऋषि द्वारा कुंती को दिए इस गुप्त मंत्र के बारे में पता चला तब पांडु ने कुंती से कहा वह पवन देव और इंद्रदेव से गर्भ धारण करे। तब अपने पति पांडु की आज्ञा से कुंती ने पवन देव और इंद्रदेव से गर्भ धारण किया, जिनसे उनके
तीन पुत्रों का जन्म हुआ जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कहलाए। राजा पांडु की एक और पत्नी थी जिनका नाम माधुरी था। माधुरी से पांडु ने अश्विनी कुमारों का आह्वान करने को कहा। तब पांडु की दूसरी पत्नी माधुरी ने अश्विन कुमारों से गर्भधारण किया जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।